साहस सरोकार। गाजीपुर में सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे सर्वे, पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। सीएम योगी का दो दिवसीय काशी दौरा, राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नित्या नदी समग्र चिंतन कार्यक्रम का शुभारंभ। आगरा में ताजमहल का नाम बदलने की फिर उठी मांग, नगर निगम में पार्षद पेश करेंगे प्रस्ताव। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करेंगे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री सीधे गंगा में एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद गोयनका विद्यालय में राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स ने एक साथ 22 जगहों पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी में कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट इनकम टैक्स की रडार पर हैं। कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी की यहां छापेमारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के तहत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई विभागों में कार्यरत करीब 1.5 दर्जन अधिकारी कर्मचारी रडार पर हैं। इसमें उद्योग विभाग, उद्यमिता विकास संस्थान, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान, यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर के कुछ संस्थान हैं। का बड़ा छापा पड़ा है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कई विभागों को। इनकम टैक्स ने एक जगह 22 जगहों पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी में कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट इनकम टैक्स की रडार पर हैं। कई विभागों में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारी की यहां छापेमारी हो रही है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से अनिल और लखनऊ से विभांशु। विभांशु, आईटी का इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है यूपी और कई कानपुर में। जी, मैं भी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाबू साहब 2 का फिर से एक बार चला है। 2018 में एक बार चला था
इसी क्रम में आज आपको बता दें कि यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन बाबू साहेब पार्ट टू चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली और बात की जाए तो दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में समेत और दिल्ली समेत 22 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है, जिसमें भ्रष्ट अधिकारी और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर छापेमारी चल रही है। इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो यूपी कौन से जुड़े जो ठेकेदार हैं उन पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी में जो भ्रष्ट अफसर है उन पर छापेमारी चल रही है। अब अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान आज आईटी की टीम वहां पहुंची हुई है, इनकम टैक्स की टीम पूरे दस्तावेजों को खंगाल रही है, साथ ही साथ डिजिटल गैजेट को भी खंगाल रही है, कंप्यूटर लैपटॉप को भी खंगाल रही है। और वहीं आपको बताएं कि जो पैसे की लेन देन है, अकाउंट्स है, उसके भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। कि आपको बताएं कि ये पूरी छापेमारी इससे पहले भी 2018 में हुई थी, जिसमें कई ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर तमाम रिट डालने के बाद छापेमारी की गई थी। तो इसे माना ये जा रहा है कि ऑपरेशन बाबू साहेब पार्ट टू है ये। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी मयूरी की, जब छापेमारी कंप्लीट होती है तो कितने पैसे के लेन देन आते हैं और क्या क्या जब्ती की जाती है। अभी छापेमारी शुरू हुई है और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी यूपी कॉन के शिकायत के बाद यूपी कॉन के जुड़े जो टेंडर्स हैं उसमें ठेकेदार समेत तमाम लोगों की भी कहीं ना कहीं जो खतरे की तलवार है वो लटकते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आईटी टीम जहां दस्तावेजों को खंगाल रही है, साथ ही साथ जो अकाउंट्स हैं, जो पैसे की लेन देन है उसको भी पूरे निगरानी के साथ देख रही है, साथ ही साथ जो हाल ही में अगर देखें तो जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या फिर जितने भी अधिकारियों की अगर छापेमारी हो रही है तो उसमें जो भी उनके तरफ से धन अर्जित किए गए हैं उससे पूरी निगरानी रखी और पैसे का हिसाब हो रहा है। कि आखिर ऐसे कई अफसरों की शिकायत मिली थी कि उन्हें आमदनी से अधिक वो अपने घर बना चुके हैं, उनके घरों को भी पूरी दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है कि आखिर किस पैसे से आप इतने भव्य निर्माण किए हैं। वहीं आपको बताएं कि ऐसे कई सारे उत्तर प्रदेश में जहां 22 ठिकानों पर चल रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योग विभाग से जुड़े कर्मचारियों पर पूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो उद्यमिता विकास के संस्थान के जो कर्मचारी है उनके खिलाफ चल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो यूपी इंडस्ट्रियल से जुड़े जो लिमिटेड से जुड़े कर्मचारी हैं उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई चल रही है। वहीं साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के ठेकेदार जो हैं वो विभागों से टेंडर लेकर और उन पैसों का जो बंदरबाट की बात सामने आई है उस पर भी पूरी नजर बनाई गई है। वही तो अगर बात करें तो 22 जगहों पर इनकम टैक्स की छापे पड़ी है। इसमें अगर देखा जाए तो कई ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में तो ये आय पूरी छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के बाद ये साफ आ पाएगा जब पूरी टीम दस्तावेजों को खंगालेगी, साथ ही साथ अकाउंट्स के लेन देन और पैसे को जहां से आए हैं, कहां से अर्जित किए गए, इन सब चीजों को करीब से आईटी की जो टीम है वो अधिकारी देखेंगे। साथ ही आपको बताएं कि डिजिटल गैजेट से जो इनके अकाउंट के लेन देन है वो कहां से पैसे आए और किससे गए इसकी भी पूरी निगरानी रखेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये छापेमारी कब तक चलती है, मगर बात की जाए तो लगभग 10 बजे से आईटी की टीम इन 22 जगहों पर छापेमारी कर रही है। एक 2200 जगहों पर आईटी की टीम पहुंचती है और दस्तावेजों को खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब देर शाम या कल तक माना जा रहा है कि ये टीम पूरी दस्तावेजों को खंगालेगी और सब मामला सामने आ सकेगा कि आखिर कितने रुपए की जब्ती हुई, ये शिकायत थी वो सत्य थी या असत्य थी। जी विभांशु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनिल, कानपुर में भी आईटी का छापा पड़ा है, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मैं बता दूं कि पनकी थाना क्षेत्र का मामला है और पनकी गंगागंज में राजू सिंह चौहान और देवराज कुशवाहा के यहाँ सुबह लगभग 6 बजे आईटी इनकम टैक्स की आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा और लगभग इनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र है वहाँ भी छापेमारी हुई। और मैं बता दूं कि अब मेरे ठीक पीछे जहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 गाड़ियां खड़ी हैं और लगभग 6 से 7 आधा दर्जन अधिकारी अंदर बैठ के सारे पेपरों की और जितने भी दस्तावेज मिले हैं उसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा राजू सिंह चौहान जो कि भू माफिया और काफी बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बताया जाता है उसके घर पे भी
केवल दर्जनों पर अधिकारी बैठे हुए हैं और लगभग 6 बजे से अभी तक लगातार जांच जारी है। मैं बता दूं कि लगभग आज देश में 22 जगह पर ऐसे छापेमारी हुई है इनकम टैक्स की, आयकर विभाग की, जिसमें जगह जगह पे टीमों ने सारी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेके और पूरी गहन जांच हो रही है। और देखने वाली बात ये होगी ये जांच कब तक चलती है और कब तक इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर औरैया से है जहां यमुना नदी पुल सुसाइडर पॉइंट बनता जा रही है। आपको बता दें कि यहां एक सप्ताह पहले बीमारी से तंग आकर युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका। वहीं नदी में तेज भाव होने से एनडीआरएफ की टीम को भी सर्च अभियान चलाने में परेशानी आ रही है। युवक किन कारणों से नदी में कूदा, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई। साथ ही आपको बता दें अपर पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। भैया कुछ पता ही नहीं, वे आए थे ड्यूटी के लिए और ये कैसे जमना खून गए कुछ जानकारी नहीं। कौन थे भाई? मेरा छोटा भाई है। अच्छा, क्या करते थे? ये एमआर थी। कब पता चला आपको? हमको रात को 10 बजे। फिर तक जब मेरठ से भाई का फ़ोन आया है कि ये गाड़ी के नंबर से कि भैया कहाँ है विजय, तो हमने ढूंढना चालू किया था। पहले हम लोग ढूंढ रहे थे, तब पता लगा कि जमना हम लोग सीधा थाने पहुँचे। थाने से पता लगा कोतवाल यहाँ आए, देवली थाने था, यहाँ ऑन स्पॉट जगह पर आए थे। तो 5 बजे की बात है और लगभग 6:30-7 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यमुना में एक व्यक्ति ने छलांग लगा करके आत्महत्या की है। उसी सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची और लोकल लोगों से संपर्क किया। आजकल यहाँ यमुना में बाढ़ आ रही है, हालांकि पानी उतर रहा है काफ़ी, लेकिन काफ़ी पानी ज़्यादा होने की वजह से लोकल गोताखोर कामयाब नहीं हो सके। कल 30 तारीख को एक युवक की बाइक से यमुना नदी में कूदने की सूचना मिली है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने की मदद से यहां पर तलाश किया। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि आप दिखा सकते हैं उनमें किस तरीके एनडीआरएफ की टीम बराबर तलाश जारी है। वहीं युवक गोविंद नगर का बताया जा रहा, फिलहाल अभी तक उसकी कोई खोज नहीं हो पाई है। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता रिपोर्ट औरैया। खबर गोंडा के खरगूपुर थाना से है जहां पुलिस ने पृथ्वीनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की खबर को खंडन किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों से आपसी विवाद के संबंध में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लगातार जांच कर रही है। वहीं गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जनपद गोंडा एक सोशल मीडिया में कजरी तीज के मेले को लेकर व्यवधान डालने के संबंध में एक असत्य भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि आर्यनगर का एक करीमुल्ला नाम का व्यक्ति अपने नौकर इसरार को वहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर गांव में छोड़ने गया हुआ था। रास्ते में इनका पैसे का लेन देन था राजेश पांडे और कई लोगों के परिवार से, तो उसने उनसे पैसे की मांग की, तो इसी में मारपीट की गई है। इसकी सूचना 16 नंबर पर दी गई थी डायवर मंटू को, उस पर APRB के द्वारा उसको थाने ले जाया गया। वहाँ पर उसकी चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद धारा 323, 504, 506 IPC में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है। गोरखपुर के कैंट इलाके के रचित हॉस्पिटल में मरीज से न मिलने देने पर भड़के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीज की मौत हो चुकी है, जिसके चलते वे उन्हें मिलने नहीं दे रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के जिंदा होने की जानकारी देकर परिजनों को शांत कराया, साथ ही मरीज को BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया। इलाके रचित हॉस्पिटल से है जहां मरीज से न मिलने पर भड़के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि परिजनों ने आरोप लगाया है कि मरीज की मौत हो चुकी है, जिसके चलते वह उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है।
वहीं सूचना पर पुलिस पहुंच गई, बच्चे के जिंदा होने की जानकारी भी परिजनों को दिया, साथ ही मरीज को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया। हिमांशु, हिमांशु, परिजनों को शांत कराया पुलिस ने, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि बच्चे का इलाज चल रहा था, डॉक्टर का कहना था कि इसे इंसेफ्लाइटिस है, इसलिए उसको बार बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज रहे थे। हालांकि रसीद हॉस्पिटल न्यूरो सर्जन वहां बैठते हैं, न्यूरो का ही होता है, लेकिन पूरी तरह से, लेकिन उसको, उसकी हालत जो है काफी गंभीर थी, क्योंकि कई जगह वो इलाज करवा चुका था। तो ऐसे में जो है बच्चे को ले जाकर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, और परिजनों को किसी ने यह संदेश दे दिया था कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। तो इससे परिजन जो है काफी हंगामा करने लगे, तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन करके इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद से हो हल्ला होने लगा, रोना पीटना वहां पे हो गया। इसके बाद से हॉस्पिटल प्रशासन के सूचना पे पुलिस वहां पहुंची मौके पे, और लोगों को समझाया, और समझाने के बाद जो है मेडिकल कॉलेज में बच्चे को जो भेज दिया गया था, उसका जो है इलाज चल रहा था, उसको सूचना जब उनको मिली कि हाँ ठीक है, बच्चा उसका सुरक्षित है उनका, तब उनको जो है पूरी तरह से आश्वस्त हुए और फिर शांत हो पाए। धन्यवाद आपका। खबर संभल से है, जहां विद्यालय की छात्राएं मांग कर रही हैं उन्हें बैठने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते उन्हें कक्षा में बैठने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय की छात्राओं ने कहा है कि बिजली ना होने पर उन्हें गर्मी में भी बैठना पड़ता है, विद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं है। साथ ही हम अपनी मांग काफी समय से उठाते आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधक इसको और ध्यान नहीं देते। साथ ही विद्यालय में फर्नीचर ना होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि प्रबंधक ने कहा है कि विद्यालय में सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जो फर्नीचर कम है उसकी व्यवस्था की जा रही है, जल्दी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सर, समस्या यही है कि बच्चे कई दिन से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था प्रबंधक स्तर से नहीं कराई जा रही है, जबकि उनके संज्ञान में सारी बातें हैं, वो यहाँ आकर स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं, देख भी रहे हैं, और बच्चे कई बार प्रार्थना पत्र इस संबंध में दे चुके हैं, मैं कई बार अवगत करा चुकी हूँ कि सर ऐसी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर कुल 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, 650 बच्चों का एडमिशन हो चुका ये है। मैडम, नए एडमिशन आए आपके पास 650 या पहले से? नहीं सर, पहले से नहीं थे इतने बच्चे, पहले लगभग 400 के लगभग बच्चे थे। अभी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? इस समय 652 बच्चों की संख्या है। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे मुबारक अली। मुबारक, क्या आज कुछ जानकारी सामने आ रही है, स्टूडेंट्स की इतनी शिकायत सामने आई है? आपको बता दूं, जनपद संभल के बीडी इंटर कॉलेज का पूरा मामला है, और इसमें बच्चों ने कल धरना प्रदर्शन करा था, और हम कई बार प्रदर्शन कई बार शिकायत कर चुके हैं, बच्चे की कोई सुनवाई नहीं हुई है, और उसमें फर्नीचर की व्यवस्था सही नहीं है, उसमें बच्चे जमीन पे बैठते हैं, और एक तरफ योगी सरकार लाख दावे करती है शिक्षा को लेकर, और पूरे दावे फेल नए आ रहे हैं संभल जिले में। जी, क्या मतलब स्कूल प्रबंधक ने क्या कुछ किया? फर्नीचर की व्यवस्था नहीं की गई है वहाँ पर, और बच्चे जो बैठते हैं जमीन पर बैठते हैं, और नहीं तो वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है और ना उसकी व्यवस्था, बच्चों को पढ़ने में भी और उसने परेशानी का सामना करना पड़ता है, और गर्मी का मौसम चल रहा है, और इसमें बीमारी का भी खतरा बना रहता है, और दूसरी तरफ जो प्रमाणदर्शक कई बार शिकायत कर चुके हैं बच्चे, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और उसमें जो इससे पहले 450 बच्चे थे उसमें अब 600 कुछ बच्चे हैं, 600 बच्चों के लिए 200 बच्चे नीचे बैठते हैं। धन्यवाद आपका। मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के पैगाव मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया, साथ ही 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश जारी है, वहीं घायल बदमाश का पुलिस कस्टडी में जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि घायल बदमाश 50,000 का इनामी बदमाश था, जिसके पास अवैध तमंचे समेत चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घायल का इलाज चल रहा है। शेरगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत थाना शेरगढ़ व एसओजी सर्विलांस की पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त घायल हुआ है। यह अभियुक्त 50,000 रुपये का इनामी है, और वर्ष 2021 में इसके द्वारा एक डबल मर्डर कारित किया गया था,
और वर्ष 2022 में इसके द्वारा उस अभियोग के जो मुख्यवादी थे उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया था। अभियुक्त को अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है। इसके अन्य साथी जो मौके से फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। हरदोई के पिहानी कोतवाली क्षेत्र में अवैध संबंधों में बाधक बन रही पत्नी को पति ने उसके दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद एसपी ने बताया कि मृतका के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इसमें संज्ञान में आया है कि थाना पिहानी के ग्राम गुलरिया है, उसमें एक व्यक्ति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की दिन में प्रातः से लेकर दिन में किसी टाइम हत्या कर दी। उसके संबंध में मृतका के भाई द्वारा ये तहरीर दी गई है कि उसकी बहन उसके अवैध संबंधों में बाधक बनती थी, इसलिए उसके द्वारा हत्या की गई है। मुकदमा कायम कर लिया गया है, अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर अमेठी के शुकुल थाना क्षेत्र से है, जहां एक पति ने मामूली विवाद के चलते धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद पति मौके से फरार हो गया और पड़ोसी जनपद के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी पर पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सर, वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट गया है। तो आगे क्या घटना हुई? सर, आगे और कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। हाँ, फिर दोबारा कोई जानकारी मिली? सर, फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे झूठ निकले, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जब अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया, तो वो कह रहे थे नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। 30 तारीख थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सेक्टर 14 के अंतर्गत एक महिला का ने पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस को सूचना तुरंत मिल गई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर के इसके PM के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में इनको पूछताछ हो रहे हैं। परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके FIR दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मथुरा से है, जहां चोरी किए गए बच्चे की बरामदगी करने के बाद रेलवे पुलिस के दो विभागों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। मासूम बच्चे की बरामदगी के बाद GRPA पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहीं RPF पुलिस ने इस मामले को लेकर प्रेस को ब्रीफ किया। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा एक की गुडवर्क को लेकर अलग अलग प्रेस को जानकारी देने के बाद वहीं मथुरा जंक्शन पर तैनात GRPA और RPF में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि इसमें हमने जो कुछ तो हमने CCTV फुटेज को देखा, हमने जो हमने कलेक्ट कराया, हमने उपलब्ध कराया GRPA को, और उसको करने के बाद में कुछ उसका जो मोबाइल है इसको सर्वेलेंस लगा के हम लोग टेस्ट करते हुए वहाँ तक पहुँचे फरोजाबाद में। वहाँ जाने के बाद में इस तरह का बच्चे को बाद में सकुशल वहाँ से कर लिया। इस संबंध में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 4 लेडीज हैं, 4 जेंट्स हैं, दोनों के। हमारे साथ जुड़े हैं धनीराम, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी नंदनी जी, मैं बता दूं आपको कि जैसे तरीका से पुलिस, रेलवे पुलिस ने बच्चा चोर के जो खुलासा किया है वो पुलिस के लिए बड़े तारीफ लिए काम है, क्योंकि इसका पूरे प्रशासन से लेकर के सभी तारीफ कर रहे हैं। परंतु इस बीच एक नया मुद्दा और सामने आ गया है कि दोनों सुरक्षा एजेंसियों में श्रेय लेने की होड़ है। GRPA वाले कह रहे हैं कि यह GRPA वाले ये कह रहे हैं कि यह श्रेय हमको जाता है, क्योंकि GRPA ने पूरी जो काम किया है वो अपनी संलग्नता से किया है और पूरी कड़ी जोड़ते हुए इस बच्चे को बरामद किया है। वहीं RPF के जो अधिकारी हैं, जो CEO हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये काम हमारे द्वारा किया गया है और जो गुडवर्क हमें दिखाना चाहिए था वो GRPA के द्वारा दिखाया जा रहा है कि जो गलत है। दोनों सुरक्षा एजेंसियों को लेकर के दोनों में मतभेद दिखाई दे रहा है। एक 1,80,000 बता रहे हैं तो एक 80,000 ही बता रहे हैं, तो दोनों में असमंजस की कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है, जिसके कारण ये 2 बार PC की गई है। क्योंकि सोमवार को SSP रेलवे मुश्ताक मोहम्मद के द्वारा ये खुलासा किया गया था, तो वहीं दूसरे दिन RPF के जो CEO हैं इन्होंने अब ये खुलासा किया है कि ये
बच्चा हमने बरामद किया है। इसको लेकर के रेलवे पर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं कि एक इसको लेकर के दो पीसी होना ये बड़े चर्चाओं का विषय बना हुआ है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए हमें। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।